नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। देखिए, अभी सरदार शहर के अंदर उपचुनाव होने जा रहा है। उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी प्रत्याशी खड़ा करने के लिए पहले भी मैं 2 दिन यहाँ रहकर रायशुमारी लोगों की जानी, और अभी आज और वापस हमारे साथ में चुनसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और सीताराम जी राम सभी लोग पदाधिकारी यहाँ आए। और पार्टी इस बार जो उपचुनाव है वो मजबूती के साथ में लड़ेगी, और हमारे जो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल साहब, उनका जो लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन का, उसको मजबूती के साथ में लोगों के बीच में ले जाएंगे। और हमारा जो प्रत्यक्ष भी होगा एक मजबूत सती सी कौम के अंदर सरकारी प्रत्यक्ष को उतारे, और जल्दी ही कल या परसों हमारे सुप्रीमो आएंगे और प्रत्यक्ष ही फाइनल करके फॉर्म वॉर्म भरवाएंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त जोश है, ऊर्जा है। कार्यकर्ताओं की सबकी एक ही भावना है, जो भी हनुमान जी बेनीवाल साहब जिस किसी भी प्रत्याशी को उतारेंगे हम उन्हें सब उनके साथ में। देखिए, RLP पार्टी जो है वो किसान के बेटे ने राजस्थान के अंदर एक नया प्रयोग किया। आज से पहले ये लोग सोचते थे कि राजस्थान के अंदर कोई तीसरा विकल्प नहीं उभर सकता, इस कल्पनाओं को सिरे से लोग खारिज करते थे। लेकिन हनुमान जी ने जब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, उसके बाद सब लोग एक बात सोचने लगे कि निश्चित रूप से तीसरी जो ताकत है राजस्थान के अंदर, इसका भविष्य बहुत सुनहरा है। हमने जो जो भी उपचुनाव हुए, खींवसर के उपचुनाव में जैसे मुझे वहाँ का प्रत्याशी बनाया, पूरी सरकार वहाँ से लड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। उसके अलावा सुजानगढ़ का जो चुनाव, इसी जिले की यदि हम बात करें, सुजानगढ़ के चुनाव के अंदर भी कोई बड़ा जनप्रतिनिधि हमारे साथ नहीं था, उसके बावजूद कड़ी टक्कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी सीताराम जी ने दी। उदयपुर जो के संभाग के अंदर जो वल्लभ नगर की सीट थी, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर गई, और वहाँ से RLP पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार थे उनको बहुत अच्छे वोट भी मिले, दूसरे स्थान पर भी रहे। राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से मैसेज है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को सोचने पर मजबूर कर दे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। सर, इसमें कोई शक नहीं कि उपचुनाव में आपका शानदार रिजल्ट रहा, 3 जगह आपने एक जगह चुनाव जीत दर्ज की जबकि 3 जगह आप दूसरे नंबर पर, लेकिन सर क्या 2023 का रास्ता सरदार शहर से निकलेगा? बिल्कुल, देखिए ये सेमीफाइनल की बात है, क्योंकि अगले साल चुनाव होंगे 2023 के आम चुनाव, तो सरदार शहर से एक निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर जाएगा। इस बात सर ने कटारिया सी बात की, तो उन्होंने कहा था कि राजस्थान किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, 1-2 चुनाव जीत सकते हैं लेकिन कोई स्वीकार ये नहीं करेगा राजस्थान चुनाव। अब ये तो अलग अलग नजरिया होता है, भारतीय जनता पार्टी को कौन कह सकता था देश पे राज करेगी, 4 सीटों से शुरुआत हुई। RLP पार्टी का तो लाखों सिपाही जो है, आज फैन फॉलोइंग देखिए हनुमान जी की, उसके अंदर सबसे बड़े नेता के रूप में स्वीकार्य यूथ के अंदर। जाट बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो इसमें आप समाज की क्या मांग देंगे, किस तरह का सहयोग समाज करे? देखिए, पार्टी किसी एक समाज एक जाति से नहीं चलती, और हनुमान जी बेनीवाल यदि आप ईमानदारी से यदि विश्लेषण करेंगे तो हमारे जो 57 कैंडिडेट जो पिछली 2018 के आम चुनाव में जो लड़े थे, सभी जातियों के प्रत्याशियों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया। अभी जैसे हमारे जो 3 विधायक हैं उनमें से 2 SC के विधायक हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी फुकराज गर्ग और इंदिरा जी बावरी, जो एक साधारण परिवार से आते हैं, दोनों अनुसूचित जाति से आते हैं। और अभी जैसे प्रधानों के चुनाव थे, उसके अंदर भी 2 प्रधान जो है SC के हैं, हमारे एक नगर पालिका के चेयरमैन है वो महाजन है। एक ही ध्येय हमारा है कि राजस्थान के अंदर जो समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठे हैं, जिनकी सत्ता में कोई आज तक भागीदारी कभी हुई नहीं, उन लोगों को हम उनका ध्रुवीकरण करके और हम सत्ता के शिखर पे पहुंचे। हनुमान बेनीवाल जी के जो सपने हैं कि खुशहाल राजस्थान के, जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना उन्होंने देखा है, उस सपने को हमारा साकार करने का हम सबका ये है। शहर में भी सूत्रों से ऐसी खबर आ रही है कि इस बार RLP भी जो SC ST के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने। अभी देखिए साहब, हमें तो रायशुमारी जानने के लिए भेजा है, पूरी रिपोर्ट हम तैयार करके सबका जो स्वीकार्य होता, जो सबका स्वीकार्य होगा, उस व्यक्ति को हम यहाँ से उसकी रिपोर्टिंग हम हमारे सुप्रीमो को करेंगे। हमारे प्रयास ये रहेगा कि सरदार शेर को भी एक लड़ने वाला व्यक्ति मिले, क्योंकि यहाँ देखा है कि
अभी हम जब यहाँ इस इलाके में हमें हालांकि पहली बार आने का मौका मिला, लेकिन विकास जितना होना चाहिए था, एक ही परिवार ने लंबा राज किया, और भारतीय जनता पार्टी का भी ये सुनने में आ रहा है कि सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही देख रही है कि कौन व्यक्ति ज्यादा पैसे वाला उसको टिकट देंगे। तो ये परिपाटी हमें तोड़नी है। हम ये चाहते हैं कि सत्ता के अंदर ऐसे लोगों की भागीदारी हो जो गरीब परिवार से आए और जो समाज के अंतिम तबके का उत्थान करने की बात जो व्यक्ति सोचे, ऊर्जावान व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को हमारी प्रिफरेंस रहेगी कि ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए। अभी तक किन के नाम सामने आए राय तुम्हारी बात मुख्य? देखिए अभी कई लोगों ने अपने अपने प्रतिवेदन हमें दिए, अभी हम एक दो दिन ही रुकेंगे। सब लोग जिन जिन की इच्छा होगी, जिन जिन के बारे में लोग हमें रायशुमारी देंगे, उन सब की हम रिपोर्ट इकट्ठी करके और हमारे सुप्रीमो को सौंपेंगे। सर, पिछले चुनाव की विधानसभा सदार सर में माने तो जाति सेक्टर काफी असरदार रहा है, जाट प्रत्याशी है वो लगातार भाजपा की जीत का खेल बिगाड़ता है, तो क्या इस बार भी आरएलपी की ओर से कोई जाट प्रत्याशी देखा जा सकता? अभी देखिए साहब, प्रत्याशी चयन की रायशुमारी जानने में आए हैं, सारी रिपोर्ट का विश्लेषण करके और एक हम उनको हमारे सुप्रीमो को सौंपेंगे। हमारे ये प्रयास रहेगा कि जाति चाहे कोई सी भी हो, अच्छा व्यक्ति मिले, मैंने पहले भी कहा लड़ने वाला व्यक्ति मिले और जन सेवा की भावना जिसके अंदर हो, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद लोकतंत्र में हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो विधायक जो चुन के जाते हैं वो सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, हमें राज करना और पैसा इकट्ठा करना है। हम ये सोचेंगे और हमारे प्रयास रहेगा ऐसा गरीब व्यक्ति, ऐसा समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति यहाँ से यहाँ का प्रतिनिधित्व तो करे, जिसके मन के अंदर गणेश गरीब को गणेश मान के सेवा करने का जज्बा हो। तो कब खोलेगी आरएलपी अपने पत्ते? अभी तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने पत्ते नहीं खोले, एक दो दिन लगेंगे और हम पूरा विश्लेषण करके और ये प्रयास करेंगे अच्छा व्यक्ति जो है और सरदार शेर का प्रतिनिधित्व आरएलपी पार्टी की तरफ से करें। तो क्या सर ऐसा मानने की कांग्रेस और बीजेपी की टिकट फाइनल होने का आरएलपी इंतजार कर रही है? अभी देखिए एक बार पूरी रायशुमारी हो जाए उसके बाद ही तय करेंगे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एसटीवी में। धन्यवाद।